हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 8 के लिए है। तो हमारी फोर्थ यूनिट चल रही थी, जिसमें हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। सेकंड पार्ट आज हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बिपिन बाबूज़ का वर्स सेफ्टी पार्क इन द बर्टम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। विपिन बाबू की जो कार थी वो कहाँ पे पार्क की गई थी? बर्टन स्ट्रीट्स लाइट हाउस सिनेमा के पास। ही टोल्ड द ड्राइवर अपने उसने उन्होंने अपने वह अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि एज ही गॉट इन टू द कार, वो कार कहाँ से निकाले? जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा नदी थी उसके पास से। विल यू सीताराम, वहाँ से, ठीक है। ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, और फिर वो ड्राइविंग करता स्टैंड रोड पे आए। विपिन बाबू रीग्रेटेड हैविंग ए पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो विपिन बाबू रीग्रेटेड यानी बार बार में उसी चीज़ को के लिए क्या है, अपने आप पर क्या वो जोर डालते हैं या महसूस करते हैं कि उन्हें क्यों नहीं याद आ रहा। पे अटेंशन, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं उस आदमी की जो दखलअंदाजी थी उनकी लाइफ में। इंटर लिखा हुआ है ना, ये INTRUDR इंट्रूडर। तो ही हैड बीन नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गए थे। नो क्वेश्चन अबाउट, इसमें कोई प्रश्न या कोई संदेह नहीं था। इट वॉज द इनकंसीवेबल, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थे दैट ही शुड फॉरगेट सच एज द इंसिडेंट्स, कि वो कैसे ये सारी घटना भूल सकते हैं। विच टुक द प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स एगो, जो सिर्फ 6 से 7 साल पहले की घटना है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी तो बहुत अच्छी मेमोरी है। अनलेस विपिन बाबू हियर्ड हैड रियली डिड, उसका मस्तिष्क भी सही है। सॉरी, वाज ही लूजिंग हीज माइंड, क्या वो अपना दिमाग उनका दिमाग ख़राब हो चुका है, वो ऐसा सोच रहे थे। बट हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हीज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में रात दिन काम करते हैं। इट वॉज ए बिग फर्म, उन्हें खुद पर बहुत भरोसा है, ये अभी बहुत सब कुछ चीज़ें अच्छे से करते हैं। एज ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, वे एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपने कार्य को करते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग हाफ एन ओवर एट द इम्पोर्टेंट मीटिंग, आज ही वो लगभग 1 घंटे के आसपास बोल कर आए हैं या मतलब बातचीत करके आए। यट अभी भी यट एंड यट द मैन न्यू, और व्यक्ति जान गए ए ग्रेट डील अबाउट हिम, क्यों उनके साथ एक हो सकता है कोई व्यक्ति मजाक कर रहा हूँ। हाउ ही इवन सीम्स टू नो समथिंग इंटीमेट डिटेल्स, और वो फिर इतने सब कुछ उनके बारे में कैसे जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर इंसेंटी मतलब भाई के पागलपन और वाइफ की मृत्यु और किताबों का वो ढेर लेके जाते हैं, इन सब के बारे में वो कैसे जानता है। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट ही इज़ हैविंग गोन टू रांची, उन्हें बार बार ये लग रहा है कि वो रांची जब गए नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। नॉट ए मिस्टेक वो डेलीबरेट लाई, हो सकता है वो झूठ बोल सकता है। इन 1958 1958 में ड्यूरिंग द पूजा, वो पूजा कर रहे पूजा में थे। ही वॉज इन कानपुर, जो कानपुर में है, एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची, वहाँ पे थे, उनके घर पे थे। और विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, उन्हें कुछ भी याद नहीं। नो देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग ऑफ द हरिदास, वे इसके बारे में बार बार पे अपने मस्तिष्क पे डोर डाल रहे थे। विपिन बाबू सडनली अचानक रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट हीज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, हरिदास ने कुछ समय पहले, और तभी अचानक उनको एक बात याद आती, हरिदास ने कुछ समय पहले अपनी वाइफ को जापान छोड़ दिया था। एंड ही डिड नॉट हैव हीज एड्रेस, और उनके पास उनका एड्रेस नहीं था। बट वेयर वॉज ही द नीड ऑफ फॉर प्रूफ, अब उनके उन्हें किसी प्रूफ की आवश्यकता थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वे पूरी तरह से जागरूक थे, दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, वे रांची कभी नहीं गए। एंड दैट वॉज दैट, और वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।